हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 का जो शुभारंभ है वो बहुत ही शानदार रहा। तो आज हम दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अक्सर बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि नीट में सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो आप आसानी से 4 या 8 मार्क्स जो हैं वो अपने सिक्योर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, राइट। चलो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। बहुत सारे सिस्टम है, MKS, FPS, बट अभी जो पॉपुलर है और अभी जो चल रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर वो है SI सिस्टम, राइट। इसके अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है प्राइमरीली। पहला जिनको कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कौन कौन सी है, मास है और उसकी जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है, लेंथ उसकी SI यूनिट मीटर, टाइम उसकी SI यूनिट सेकंड्स, टेम्परेचर उसकी केल्विन, करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको आप कभी यूज नहीं करोगे, दैट इज कैंडेला। सो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और हैं, राइट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वैसे तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है बट फिर भी इनकी SI यूनिट बनाई गई है, राइट। कौन कौन सी है, एक तो है एंगल जिसकी SI यूनिट है रेडियंस और दूसरी है सॉलिड एंगल जिसको हम बहुत रेयरली यूज करेंगे एंड इट्स SI यूनिट इज कॉल्ड स्टेरेडियंस, राइट। तो जस्ट केवल ध्यान रखना है आपको, इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। और तीसरी जो तरीके की क्वांटिटीज है उनको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाया जा सकता है। और ये तो बहुत सारी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अलावा जो भी आपको दिखाई दे फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। तो अब हमें पता चल चुका है कि यार ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है ये किसी ना किसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखी जा सकती है। और इसी तरीके को, किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखने का जो तरीका है उसको ही क्या बोला जाता है, डायमेंशनल मेथड बोला जाता है। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिफरेंट पावर्स होती है उसको बोला जाता है डायमेंशंस, राइट। तो हम क्या करेंगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बट मोस्टली जो यूज होती है वो है मास, लेंथ और टाइम। जब आप 12th के टॉपिक्स को पढ़ोगे तो एम्पियर और टेम्परेचर यानी कि केल्विन, ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो और यूज होने लगेंगी। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं इन क्वांटिटीज को और सीखते हैं डायमेंशंस किस तरीके से लिखी जाती है, राइट। जैसे सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सबको पता होगा कि फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और जैसे इसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, हमें पता है मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है बट एक्सेलरेशन जो है वो अभी तक भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सेलरेशन को सबको पता होगा आई होप। और वेलोसिटी को लिखा जा सकता है मास लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहां पे टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या कर चुके हैं, फोर्स से कहां तक आ चुके हैं, एक ऐसे फॉर्म पर आ चुके हैं जहां पर सारी की सारी चीजें फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इनकी जो डिफरेंट पावर्स है इसको यूं लिखा जाता है एम, कैपिटल एम लिखा जाता है, 1L1NT-2। तो ये फोर्स का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा और इसके अंदर 1, 1 और -2 जो है वो फोर्स की क्या हो जाएंगी, डायमेंशंस हो जाएंगी। ऐसे अपन बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी को लिखा जा सकता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की लेंथ ही होती है, राइट। तो अब हमें फोर्स को फंडामेंटली लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है। तो ये हो जाएगा M1L1T-2 और लेंथ है केवल और केवल L1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M1L2NT-2। इतना आसान है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। आपको किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रटना नहीं चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ लो थ्रू आउट द फिजिक्स और फिर आपको सबके फंडामेंटली जो फॉर्मूलाज है वो पता होंगे और उनके जरिए आप आसानी से
डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो, जैसे मोमेंटम का लिखते हैं। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अभी अभी अपनों ने लिखा था मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल वन एंड टी माइनस वन। बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर को लिखा जा सकता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फोर्स को तो लिखते हैं अपन एम वन एल वन टी माइनस टू, और एरिया को अपन लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर, राइट। तो आपके प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एम वन एल माइनस वन, टू को आप ऊपर ले जाओगे, पावर्स के साथ तो सबको खेलना आता ही होगा, राइट। तो पावर को जब भी आप चेंज करते हो, ऊपर से नीचे लेके जाते हो, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, और जब सेम बेस होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये टू ऊपर जाएगा माइनस टू हो जाएगा, और वन और माइनस टू को ऐड करोगे तो बचेगा माइनस का वन, और टाइम जो है वो हो जाएगा टी माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये देखो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, हमें पता है फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर, एम वन एम टू दोनों मासेज है। तो फोर्स हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और मास का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर। अब देखो इनको सॉल्व करते हैं, ये टू ऊपर जाएगा माइनस टू बन जाएगा, और वन और माइनस टू को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एम माइनस वन। एल को छेड़ने वाला, अच्छा एल वन है और एल टू है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एल थ्री हो जाएंगे, और टाइम को छेड़ने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, टी रहेगा माइनस टू। तो ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम माइनस वन एल थ्री एंड टी माइनस टू, ठीक है ना। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, आई होप आपने सबने फॉर्मूला देखा होगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, और न्यू जो है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम का इनवर्स। तो एच जो होगा वो हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी को लिख सकते हैं अपन एम वन, अभी अभी ऊपर देखा था एल टू टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है टाइम का इनवर्स यानी कि टी माइनस वन। ये माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस वन बन जाएगा, और माइनस टू और प्लस वन इन दोनों को ऐड करोगे तो बचेगा एम वन एल टू टी माइनस वन। ये किसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर है ना ये डायमेंशन बेसिकली आप निकाल सकते हो डायमेंशंस, बट कई बार ये जो कांस्टेंट है उनके डायमेंशंस जो है डायरेक्टली आपके काम आ जाती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको याद रख लें, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चंस के अंदर इनको यूज करेंगे तो दोबारा से रेफर करेंगे, तो आपको इस तरीके से याद हो जानी चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है कि हमें कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं, और इन रूल्स का यूज कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर। हमारे लिए तो यूज ये है कि हम नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहला रूल क्या कहता है कि जो रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज है वो हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गई, स्ट्रेन हो गया, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो आप, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों स्पीड ही तो है। सेम क्वांटिटीज का जो भी रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। टर्म्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल आर ऑलवेज डायमेंशन लेस। तो इन तीनों फंक्शंस के अंदर जो भी टर्म लिखी जाएगी ना वो पूरी की पूरी डायमेंशन लेस होगी। जैसे मैंने लिखा साइन एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन लेस हो जाएगा। मैंने लिखा ए की पावर ए एक्स प्लस बी, तो पूरा का पूरा ए एक्स प्लस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। मैंने लिखा log ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये पूरा का पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब अगला रूल ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कॉफिशियंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2π टाइम्स रूट एल अपॉन जी, तो 2π की कोई डायमेंशन नहीं होती, आप उनको डायमेंशनली क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल, टर्म्स इन अ वैलिड इक्वेशन हैव सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने लिखा t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और c टर्म्स तो जानते हो ना आप, जो प्लस और माइनस से अलग हो रही होती है वो क्या कहलाती है, टर्म्स कहलाती है किसी इक्वेशन की।
तो ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और सी, ये तीनों टर्म्स जो है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, किसके इक्वल होगा, टी, टी भी तो एक अकेली टर्म है। तो आप इस तरीके से ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, बी का निकाल सकते हो और सी का निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन करेंगे तब अपन देखेंगे, बट रूल इंपॉर्टेंट है राइट। इन अ वैलिड इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म इज ऑलवेज सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट रूल क्या कहता है कि डायमेंशंस ऑफ डिफरेंशियल्स राइट, कभी डीवी बाय डीएक्स हो गया, इंटीग्रेशन में ले लिया, इज सेम एज फिजिकल क्वांटिटी, मतलब डीवी बाय डीएक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सिंपली वी बाय एक्स के इक्वल होगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सिंपली ए टाइम्स टी के इक्वल होगा। तो डिफरेंशियल को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना, केवल और केवल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकते हो। तो ये जो तमाम रूल्स हैं इनको यूज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, लास्ट रूल है इसको भी देख लेते हैं राइट। एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, कहने का मतलब ये है कि आप लिख सकते हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, यूनिट्स अलग अलग है, एक बड़ी यूनिट है एक छोटी यूनिट है। तो ये रूल ये कहता है कि नंबर और यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि जितनी बड़ी यूनिट होगी उसके अंदर किसी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही छोटा होगा। 1 मिनट को जैसे 60 सेकंड्स लिख सकते हो। और डायमेंशनली हमारे लिए कैसे काम आएगी न्यूमेरिकल्स करने में, कि हम किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो कि एन टू इज इक्वल टू एन वन टाइम्स एम वन एल वन टी वन, ये फर्स्ट एन वन यू वन लिखते हैं ना, और यू टू नीचे चला जाएगा, एम टू एल टू एल टी टू जो है वो यू टू को रिप्रेजेंट करेगा, और ए बी और सी उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इन डाइन, मतलब सीजीएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एन वन तो हमें कितना दे दिया, 1, जो SI सिस्टम है उसके अंदर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, उसमें मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, हमें 1 दे रखा है। उसमें मास जो होता है पता है ना, SI सिस्टम में मास जो होता है वो होता है किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम हो गया राइट। लेंथ जो हो गई वो होती है मीटर्स के अंदर, 1 मीटर हो गई, और टाइम जो हो गया वो होता है सेकंड्स के अंदर, 1 सेकंड हो गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं, किलोग्राम मीटर और सेकंड लिख सकते हो। आपको CGS सिस्टम के अंदर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। आपको पता है CGS सिस्टम में मास लिया जाता है ग्राम्स के इक्वल राइट। तो 1 ग्राम जो है, आप किलोग्राम को या तो 1000 ग्राम्स लिख लो, या 1 ग्राम को 1/1000 किलोग्राम लिख लो राइट। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/1000 किलोग्राम। ऐसे लेंथ की बात करें अपन, तो लेंथ जो होगा CGS सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर्स के अंदर लिखा जाता है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर्स के इक्वल। टाइम जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी कितना है, 1 सेकंड है। तो हमें सारी का सारा मसाला मिल चुका है, अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एन टू ये हमें निकालना है, एन वन 1 है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, m1/m2, तो 1 डिवाइड किलोग्राम में रख देते हैं, 1/1000। आपको फोर्स की डायमेंशंस पता है, M1, L1, ये हुआ करती थी फोर्स की, M1, L1, P-2, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर हो जाएगा L1/L2, तो 1/1, ये हो जाएगा 1, और टाइम तो दोनों 1 ही है, इसकी पावर हो जाएगी -2, तो ये कुछ हो जाएगा 1000 × 100, और ये तो 1 ही रहेगा, यानी कि 10^5। तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10^5 डाइन के इक्वल होता है, ठीक है। मैंने बताया था यूनिट छोटी हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, तो अपन सीजीएस में जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया, और देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ मास आर। देखो उल्टा क्वेश्चन पूछा है, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, आपको अपने चॉइस की कोई 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज दे देते हैं, और उनकी टर्म्स में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्वेश्चन कैसे किया जाए, भाई हमारे पास में एक रूल है। कौन सा रूल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो मैंने बताया था कि हर टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप मास को लिखना चाह रहे हो कैसे, एक तो लिखना चाह रहे हो आप फोर्स की टर्म में,
तो हमें नहीं पता, हम तो मान लेंगे कि फोर्स की पावर कितनी होगी, ए होगी। एक लिखना चाह रहे हो वेलोसिटी की टर्म में, हमें पता नहीं है, तो हम लिख लेंगे कि उसकी पावर कितनी होगी, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में डी होगी। और हम टाइम की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो टाइम की जो पावर हो जाएगी कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब हमारा टारगेट है कि हम कैसे भी करके एबीसी फाइंड आउट कर ले, तो आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो हम क्या करते हैं, इधर तो मास ही है, इनको सबको जो हमने अभी तक डायमेंशनल फॉर्मूलास पढ़े उनकी टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस टू की पावर a, v हो जाएगा l1 t माइनस वन की पावर b, और ये तो टाइम ही है t की पावर c। तो टोटल पावर काउंट करते हैं, यहाँ तो m है, यहाँ पे m की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, m की टोटल पावर हो जाएगी 1 इंटू ए, दैट इज a, और कहीं भी मास नहीं है। लेंथ की देखते हैं, यहां से आ रही है a, यहां से आ रही है b, तो a प्लस b हो जाएगी। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम की पावर यहां से आ रही है माइनस टू ए, यहां से आ रही है माइनस बी, और यहां से आ रही है प्लस। अब अगर ये दोनों वैलिड इक्वेशन बनती है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशन सेम होती है, तो इंडिविजुअल पावर्स भी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। तो इससे हमें डायरेक्ट पता पड़ जाएगा कि ए तो हो जाएगा वन, ए प्लस बी हो जाएगा कितना जीरो, यानी कि बी हो जाएगा माइनस ए के इक्वल, यानी कि बी हो जाएगा माइनस वन, और लास्ट माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा जीरो, यानी कि सी हो जाएगा टू ए प्लस बी, यानी कि टू इंटू वन माइनस वन, और ये हो जाएगा टू माइनस वन करोगे तो वन आ जाएगा। तो ए की वैल्यू पता पड़ गई, बी की वैल्यू पता पड़ गई, और सी की वैल्यू पता पड़ गई, वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन। देखो किसके अंदर मिल रहा है, वन कॉमा माइनस वन चाहिए अपनों को, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होने चाहिए, राइट। आप कोई सी भी तीन क्वांटिटीज दी जा सकती है, उनके टर्म में आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर फंडामेंटल कांस्टेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। अगेन सेम क्वेश्चन, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो मैं एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलो, तो स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर फंडामेंटल। तो हम अब की बार लेंथ को किसकी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, इसकी पावर एक्स ले लेते हैं, एक हम स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, इसकी पावर वाई ले लेते हैं, और एक हम लिखना चाहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी पावर अपन जेड ले लेते हैं। अभी अभी हमने प्लैंक्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फाइंड आउट किया था, तो हम उसका यूज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबको याद होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एम माइनस वन एल थ्री एंड टी माइनस टू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था एम माइनस वन एल थ्री एंड टी माइनस टू, और प्लैंक्स कांस्टेंट का मैंने बताया था आपको याद रखना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो था एम वन एल टू एंड टी माइनस वन। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट जो है वो अक्सर यूज होते रहते हैं, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रख लेना है। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो हम देखेंगे यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट रखेंगे अपन एम वन एल टू टी माइनस वन, इसकी पावर हो जाएगी एक्स, स्पीड ऑफ लाइट भी स्पीड ही है तो ये हो जाएगा एल वन टी माइनस वन की पावर वाई, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा एम माइनस वन एल थ्री एंड टी माइनस टू इसकी पावर जेड। तो अपन देखते हैं टोटल पावर कितनी हुई, एम की टोटल पावर हो जाएगी एक्स माइनस जेड, एल की टोटल पावर हो जाएगी टू एक्स, यहां से आ रही है वाई और यहां से आ रही है थ्री जेड, और टी जो है उसकी टोटल पावर हो जाएगी माइनस एक्स, यहां से आ रही है माइनस वाई और यहां से आ रही है माइनस टू जेड। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बेसिकली, राइट। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस जेड हमें किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, यहाँ तो एम है ही नहीं, यहाँ तो केवल और केवल एल है, तो एक्स माइनस जेड किसके इक्वल हो जाएगा जीरो, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा जेड के इक्वल आ जाएगा, पहली चीज। फिर माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस टू जेड ये भी किसके इक्वल नजर आ रहा है, हमें जीरो के इक्वल नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम भी नहीं है। अभी हमने देखा था कि एक्स को किसके इक्वल लिख सकते हो आप, जेड के इक्वल लिख सकते हो, तो माइनस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो,
तो y की जो वैल्यू है y को उधर ले जाएंगे, किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस 3z के इक्वल आ जाएगी। हमने x को भी z की फॉर्म में लिख लिया, हमने y को भी z की फॉर्म में लिख लिया, राइट। अब हम देखते हैं कि इसकी पावर कितनी होगी, ठीक है, देखते हैं इसकी पावर कितनी होगी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। x की जगह हम z रख सकते हैं, 2z हो गया, y की जगह हम माइनस 3z रख सकते हैं, माइनस 3z रख दिया, यहाँ पे प्लस 3z है इज इक्वल टू 1, माइनस 3z से प्लस 3z कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय 2 आ जाएगी। जैसे z की वैल्यू 1 बाय 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस 3 बाय 2। अब एक बार देख लो क्या आपका आंसर जो है वो मैच कर रहा है। y मतलब है c की पावर, c की पावर कितनी आ रही है, माइनस 3 बाय 2, और c की पावर माइनस 3 बाय 2 ना हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है, ना इसके अंदर दिखाई दे रही है, ना इसके अंदर दिखाई दे रही है, हमें किसके अंदर दिखाई दे रही है, इस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हमने ये दो क्वेश्चन करके देख लिया कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा जो है एफ अपॉन वी साइन बीटा टी के इक्वल है, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो हमें पता है बीटा इंटू टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये डायमेंशन लेस होते ही हमारा काम आसान हो गया। इसका मतलब है बीटा की जो डायमेंशन होगी वो टाइम के इनवर्स के इक्वल हो जाएगी, तो टी पावर माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बीटा जो है वो टी पावर माइनस वन हमें एक तो किसके अंदर दिखाई दे रहा है, केवल और केवल इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अल्फा भी निकाल सकते हो, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, ये एम वन एल वन टी माइनस टू हो जाएगा, ये एल वन टी माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे अल्फा की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी, राइट। खैर कई बार हमें स्मार्ट काम करना होता है और इस तरीके से एक ऑप्शन देख के ही आप लोगों को चीजें करेक्ट करनी होती है। निकाल लोगे अल्फा, मैं फटाफट से बता देता हूँ, अल्फा हो जाएगा फोर्स दैट इज एम वन एल वन टी माइनस टू और वी स्क्वायर मतलब एल टू टी माइनस टू, ठीक है ना। तो इससे ये हो जाएगा एम वन, ठीक है, टी माइनस टू से टी माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, टू पर जाएगा माइनस का टू बन जाएगा, एल माइनस वन दे जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट होगा, राइट। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ए डीवी बाय डीएक्स, ए एरिया है, वी और एक्स तो आप जानते हो, फाइंड डायमेंशन ऑफ ईटा। तो मैंने बताया था रूल कौन सा यूज आ रहा है यहां पे, इसको हम सिंपली डायमेंशनली लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, डीवी बाय डीएक्स को वी बाय एक्स लिख सकते हैं, ईटा जो नेगेटिव साइन भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है, आगे समझ में। फोर्स हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू, लेंथ हो जाएगा एल वन, एरिया हो जाएगा एल टू और वेलोसिटी हो जाएगी एल वन टी माइनस वन। आई होप आपकी भी स्पीड आ जानी चाहिए अभी तक। तो देखो ये एल वन और एल वन दोनों एड होके एल टू हो जाएंगे और ये एल टू जो है वो फाइनली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा एम वन एल माइनस वन ही बचा है, ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस वन ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू और प्लस वन को ऐड करोगे तो टी कितना आ जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। एक और कांस्टेंट है जो अक्सर डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, इट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख सकते हो। सवालों के जरिए आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजों तक पहुंचाना काम है मेरा और वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। एरर्स जो इस आज के वीडियो का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एरर्स, राइट। क्या होती है एरर्स, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एरर। जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करने जाओगे 100% किसी ना किसी वजह से आप उसकी ट्रू वैल्यू मेजर नहीं कर पाओगे, तो आपकी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा, राइट। मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें एरर्स के साथ डील करना आता हो, तो सबसे पहले तो हम एरर्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे। तो प्राइमरीली आप दो कैटेगरीज के अंदर एरर्स को डिवाइड कर सकते हो, वन इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर एंड द अदर इज कॉल्ड रेंडम एरर। देखो दोनों का डिफरेंस समझो, जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को करते हो, किसी क्वांटिटी को मेजर करने की कोशिश करते हो, तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई कमी है या आप ढंग से मेजरमेंट नहीं ले रहे तो क्या होगा कि एरर आएगी, और हर मेजरमेंट के अंदर एरर सेम डायरेक्शन के अंदर आएगी,
जैसे आप विंग मशीन के ऊपर खड़े हो, आपका जो विंग मशीन है उसका जो निडल है, उसकी जो निडल है वो ऑलरेडी जब उसके ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ तब कितना किलो दिखा रही है, 5 kg दिखा रही है। तो ऑब्वियसली वो जब भी उसके ऊपर कुछ रखा जाएगा तो उसका वजन 5 kg ज्यादा बताएगी, राइट। तो ऐसी एरर्स जो सेम डायरेक्शन के अंदर अपीयर होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, सिस्टमेटिक एरर्स कहलाती है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट हर मेजरमेंट में सेम डायरेक्शन के अंदर अपीयर होगी, क्या कहलाएंगे, सिस्टमेटिक एरर्स कहलाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से आ सकती है। जो अभी मैंने वेइंग मशीन का एग्जांपल लिया था वो जीरो एरर का एग्जांपल था, कि जब किसी मेजरमेंट के अंदर कुछ ना मेजर किया जा रहा हो फिर भी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे रहा हो उसको अपन जीरो एरर बोलते हैं, राइट। इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ अपैरेटस, आपने गलती से, ठीक है ना कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया और उस वजह से सिस्टमेटिक एरर आ सकती है। तो सिस्टमेटिक एरर जो है उसका हमेशा कारण होता है, और उस कारण को अगर आपने जान लिया और उसका निवारण आपने कर लिया तो आप आसानी से उसको दूर कर सकते हो। तो बेटर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो, केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन करो, राइट, आप आसानी से सिस्टमेटिक एरर से डील कर सकते हो। रैंडम एरर्स की मैं बात करूं तो ये उन कारणों की वजह से है जिनके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है, और ये हमारे बेसिकली ह्यूमन होने की वजह से आती है। आप खुद नोटिस करना, आपके सामने एक बोतल रखी हुई है और आपके हाथ में पेन है, आप ट्राई करना उस बोतल को हिट करने की। आप अगर 10 बार ट्राई करोगे तो समटाइम्स आप हिट कर लोगे, कुछ बार वो बोतल जो है उसके एक तरफ से गुजरेगी और कुछ टाइम्स आपका जो पेन है वो बोतल के दूसरी तरफ से गुजरेगा। तो आप कितना ही ट्राई कर लो किसी एक्शन को सेम रिपीट करने की, बट आपका जो रिजल्ट है वो ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स जो कि आपको पता नहीं है, आप जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, डिफरेंट आता है। सो उसकी वजह से जो एरर्स अपीयर होती है वो रैंडम एरर्स होती है। रैंडम एरर्स दोनों डायरेक्शन के अंदर भी हो सकती है, मैंने बताया था ना, कभी आपका पेन हिट करता है बोतल को, कभी उसके एक तरफ से गुजरता है, कभी उसके दूसरी तरफ से गुजरता है, राइट, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। लीस्ट काउंट एरर इसका एग्जांपल है। हर मेजरमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है कि आप मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हो। तो अगर आप लीस्ट काउंट से ज्यादा प्रिसीजन के साथ मेजर करने की कोशिश करोगे तो आपको गैस करना पड़ेगा, और हर इंसान अपने अलग अलग तरीके से गैस करता है। लीस्ट काउंट एरर जो है वो रैंडम एरर मानी जाती है, टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग एवरेज। अब क्योंकि रैंडम एरर दोनों तरफ अपीयर होती है, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी रैंडमली, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम एक ही रीडिंग बार बार लें हमारा रिजल्ट डिफरेंट आएगा, अभी अभी एग्जाम्पल में देखा था। बट अगर हम उसका एवरेज ले लें तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के अंदर फ्लक्चुएशन होगा वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा और हम फाइनली कहां तक पहुंच जाएंगे, ट्रू वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। तो टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल रीडिंग्स कैन रिड्यूस इट, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, तो जब आप किसी मेजरमेंट को किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो तो आप खूब सारी रीडिंग लेते हो, आपको कारण पता पड़ गया ऐसा क्यों करते हो। तो जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर आपकी खूब सारी रीडिंग सामने ली, A1, A2, A3, up to AN, ठीक है, ट्रू वैल्यू, क्योंकि आप जिस चीज को मेजर कर रहे हो उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, बट आपको ये जरूर पता है कि इन सबका जो एवरेज होगा वो ट्रू वैल्यू के सबसे करीब होगा, तो क्यों ना उसी को ट्रू वैल्यू मान लिया जाए। तो ट्रू वैल्यू हो जाएगी इनकी सबकी एवरेज, दैट इज A1 + A2 + A3 up to AN / N, एवरेज तो सबको लेना आता होगा। एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, तो अब हर रीडिंग के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो कैसे निकालेंगे, जो एरर की डेफिनेशन थी वो यूज करेंगे, हम ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम डेल्टा ए वन निकाल सकते हैं, डेल्टा ए टू निकाल सकते हैं, हर रीडिंग के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर है निकाली जा सकती है। अब किसी रीडिंग के अंदर पॉजिटिव साइड में एरर आएगी, किसी किसी में नेगेटिव साइड में एरर आएगी, तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको एब्सोल्यूट एरर्स हर रीडिंग के अंदर जो आ रही है उनके मॉड्यूलस का एवरेज निकालना है, आपको सबका पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करना है, वो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ये मैक्सिमम एरर को शो करेगा कि भाई मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है। और फाइनल रिजल्ट कैसे लिखा जाता है, दिस इज ट्रू वैल्यू, आप ऐसे लिखा हुआ देखोगे, प्लस माइनस दिस इज एब्सोल्यूट एरर। तो एक तो तरीका ये हो गया एरर को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका होता है ये, इसमें हम सबसे पहले रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। तो आधा काम तो हमारा हम कर चुके हैं, हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल चुके हैं, उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो तो जो एरर मिलेगी वो कहलाएगी रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर, आप रिलेटिव एरर निकाल चुके हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है, आपको जो एरर मिलेगी वो कहलाएगी परसेंटेज एरर। तो नॉर्मली जो फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, दिस इज योर ट्रू वैल्यू
प्लस माइनस दोनों तरफ हो सकती है, दिस इज योर परसेंटेज एरर, राइट। तो ये एरर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जब आप कोई मेजरमेंट कर चुके, कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हो तो आप फाइनल रिजल्ट को इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। मान लो आपने किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की रेडियस मेजर करी या डायमीटर मेजर करा, अब उसके अंदर एरर है, ठीक है, 1% 2% कितनी भी एरर है। अब उस डायमीटर को जो आपने मेजर किया उसको यूज करके आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हो, उसका एरिया, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, तो जो एरर डायमीटर के अंदर आई है वो प्रोपेगेट होगी, वो आपके वॉल्यूम के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी, वो आपके एरिया के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो किस तरीके से प्रोपेगेशन होता है उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो जो कि दो मेजर्ड क्वांटिटीज के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखी जा रही है, तो आपकी उस क्वांटिटी के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो दोनों क्वांटिटीज के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर्स आ रही हैं उनके टोटल सम के इक्वल होगी। तो इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हटा दो यहाँ से, प्लस माइनस लिखा जाता है नॉर्मली एरर के लिए, एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। दूसरा रूल, अगर कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करी जा रही है दो मेजर्ड क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन या फिर डिविजन को यूज करके, तो उस क्वांटिटी के अंदर आने वाली फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, इंडिविजुअल क्वांटिटीज के अंदर आने वाली फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगी, राइट। तो अब डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी नहीं होगा, अब डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होगा। इन दोनों को मिक्स करके अपन एक फाइनल रूल बनाते हैं, और इसमें पावर वाला रूल भी आ जाएगा कि पावर की फॉर्म में अगर लिखी जाती है तो पावर नॉर्मली आगे आ जाती है। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी बी पी बी क्यू डिवाइडेड बाई सी क्यू आर आर है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड रिलेटिव एरर में चलेगा पूरा का पूरा खेल, पावर्स आगे आ जाएंगे, पी टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए, क्यू टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी। ध्यान रखना, कई बच्चे इसको ऊपर ले जाते हैं, पावर नेगेटिव हो जाती है और फिर वो यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं, पावर हमेशा पॉजिटिवली मल्टीप्लाई करनी है। अगर पावर नेगेटिव भी है ना तो भी पॉजिटिवली मल्टीप्लाई करो, ये ध्यान रखना। इस पर अक्सर बच्चे क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो ये आपका फाइनल रूल हो गया। तो ये एरर प्रोपेगेशन के कुछ रूल्स हो गए। क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, इतना कुछ पढ़ लिया, देखते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज, तो हमें ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव दे दिया गया है। द एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, तो अपन एक एक के अंदर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ए एम निकालेंगे, अभी अभी बताया था 2.63 प्लस 2.56। अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अपन फिर इस तरीके से लिखते हैं जैसे अपन छोटी क्लासेस में ऐड करते थे। तो हो जाएगा 2.56, ये हो जाएगा 2.42, फिर 2.71 और 2.80। फटाफट से ऐड करते हैं, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, पावर चली जाएगी 1, 6 1 7 5 12 4 16 एंड 7 कितना हो जाएगा 23 एंड 8 हो जाएगा आपका 31, पावर चली जाएगी 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 9 11 एंड 13, तो ये आ जाएगा 13.12। और फिर इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एम आपका निकल के आएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, फिर बचेगा 31.6, फिर बचेगा 1 2, फिर बचेगा 2 दैट इज 4, तो 2.624 ये आपका क्या आ जाएगा मीन वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस मीन वैल्यू में से हर एरर को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये 2.62 है ना, इसको 4 को एक बार के लिए अपन इग्नोर कर देते हैं, यहां से अपना कैलकुलेशन का काम चला जाएगा। तो 2.62 में से माइनस करेंगे तो डेल्टा A1 कितना निकल के आएगा, माइनस 0.01 निकल के आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फाइनली आखिरी चीज करनी है, 62 में से 63 को माइनस करोगे माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। डेल्टा A2 कैलकुलेशन करने का तरीका है, 62 में से 56 को माइनस करो कितना मिलेगा आपको, 0.0.06 मिलेगा। डेल्टा A3 निकालते हैं, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, खैर हमें तो सबकी वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, घटाते जाओ। 62 में से 42 चला गया तो कितना बचेगा, 0.20 बचेगा। डेल्टा A4 निकालते हैं, 62 में से 71 कितना बचेगा, 9 बचेगा, 0.09। और डेल्टा A5
80 चला गया, 0.18 बचेगा। इन सबको ऐड करते हैं, सबके पॉजिटिव साइन हटा दो, 617 और 916 और 8 कितना हो जाएगा 24, पावर चली जाएगी 2, 2 और 2 5 और 1 6, तो 0.64 आ जाएगा और मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी आपकी 0.64 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 0.1। फिर अगेन कितना आएगा यहाँ पे 1 बचेगा 2, ठीक है, और फिर बचेगा आपका 8। तो इसके सबसे करीब जो आंसर दिखाई दे रहा है आपको वो कौन सा दिखाई दे रहा है आपका 0.11 सेकंड दिखाई दे रहा है। हो सकता है अपनों ने वो जो 4 ऑमिट किया है उसकी वजह से सारी की सारी चीज आई हो, बट अपन आसानी से आंसर जो है वो गेस कर सकते हैं। पर्पज इसका ये था कि आप ऐसे क्वेश्चन हालांकि पूछे कम जाते हैं बट अगर कभी पूछे जाए तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप आर 10 प्लस 0.1 सेंटीमीटर, 1 प्लस 0.01 सेंटीमीटर एंड दिस द मोस्ट प्रोबेबल एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है, या थिकनेस। राइट, तो हमें पता है कि वॉल्यूम के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर, ब्रेड्थ के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर और थिकनेस के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर के सबके इक्वल हो जाएगी। हमने रूल पढ़ा था, हमें अच्छे से याद है। अब बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट इनको ऐड करके आ जाता है जबकि रिलेटिव एरर निकालनी है पहले। ये नोटेशन देखो ये कैसे लिखा हुआ है, परसेंटेज यूज नहीं कर रखा, इसका मतलब है वो पहले वाला तरीका है जो फर्स्ट मेथड देखा था ना आपने किसी रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने का, तो अपन निकालते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो डेल्टा एल हमें दे रखा है 0.1 और लेंथ दे रखी है 10, डेल्टा बी हमें दे रखा है 0.01 और लेंथ हमें दे रखी है 1, ठीक है, और अगला ये हमें दे रखा है 0.001 और 0.100। चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। ये भी 1 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, ये भी 1 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये भी 1 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो ये फाइनली हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आपका फाइनल जो आंसर आना चाहिए वो आ रहा है 0.03। अब ध्यान दो, ये डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू आई है, निकल गई, आपको डेल्टा वी पूछा गया है, तो डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस 0.03, ये तो एरर थी, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय दिस थिकनेस, पॉइंट हटेगा 10 चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसलिए डेल्टा वी कितना निकल के आ रहा है, प्लस माइनस 0.03 निकल के आ रहा है। बच्चों ध्यान देना, इसमें गलती होने की आशंका है, ठीक है, आपको केयरफुल रहना है। फाइनली डेल्टा वी निकालना है, तो कितना आंसर आएगा हमारा 2 आएगा। राइट, कर देंगे हम ये सब क्वेश्चन, आसान है सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी एप्सिलॉन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। जब भी ऐसी चीज देखते हो तो घबरा जाते हो जबकि इनमें होता कुछ भी नहीं है। राइट, एक बार पढ़ने की कोशिश करो क्वेश्चन को, सब हो जाएगा। वेयर एक्स वाई जेड आर एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्वांटिटीज, इफ द फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई जेड हमें दे रखी है, देन फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन एप्सिलॉन विल बी, रूल तो हमारे पास में है, जिसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, पावर्स भी है, एक्स की पावर कितनी है 1, वाई की पावर कितनी है 2 और जेड की पावर कितनी है, कई बच्चे लिखेंगे सर -1/3, और मैंने बताया था पावर हमेशा क्या लेनी होती है, पॉजिटिव लेनी होती है, तो ये 1/3 हो जाएगा। इन 200 परसेंटेज की फॉर्म में दे रखे हैं, 200 कर देते हैं, डायरेक्ट ये निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, परसेंटेज एरर इन एप्सिलॉन जो होगा डायरेक्ट निकाल रहे हैं, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, एक्स के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है 2, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ही रहा, y के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और z के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है 3, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 प्लस 2 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो अल्टीमेटली आपका आंसर निकल के आ रहा है 6%, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। इफ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट ड्रॉप्स बाय 2.5%
of its rated value, the percentage of the rated value by which power could decrease. अभी आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो error नाम का तो शब्द use ही नहीं कर रखा, ये तो कुछ ना कुछ change के साथ कुछ ना कुछ हमें बोलते ना normally current electricity type का question लग रहा है, but आप ध्यान रखना आगे भी physics के अंदर जहाँ जहाँ पर changes की बात करी जाएगी और change अगर 5% से कम होगा तो जो आपने error propagation के rules पढ़े हैं वो आप यू के यू directly apply कर सकते हो, right? तो यहाँ पर आपको पता है कि जो वोल्टेज है उसके अंदर परसेंटेज चेंज कितना दे रखा है आपको 2.5% दे रखा है, ठीक है। आपको पता है पावर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होती है। डिवाइस को तो चेंज किया नहीं यानी कि रेजिस्टेंस तो रहेगा कांस्टेंट, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि पावर के अंदर आने वाला जो परसेंटेज चेंज है वो पावर आगे आ जाएगी 2 times वोल्टेज के अंदर आने वाले परसेंटेज चेंज के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो गोले के अंदर जो चीज है उसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 2.5%, यानी कि हमारा आंसर आ जाना चाहिए कितना 5%। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी अक्सर आपको एरर एनालिसिस के अंदर तो दिखेंगे ही दिखेंगे, साथ ही साथ में आगे भी जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको इस तरीके के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली दिखते रहेंगे जिनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 5% से ज्यादा होता है चेंज तो फिर हम पूरा का पूरा लंबा मेथड यूज करते हैं अपन, पहले वोल्टेज रखते हैं फिर पावर की वैल्यू निकालते हैं फिर वोल्टेज को 2.5% या 5% से ज्यादा होता तो घटाते हैं और फिर इस तरीके से लंबा चौड़ा प्रोसीजर यूज करते हैं, बट उसके बारे में अभी अपन बात नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। R1 आपको दे रखा है 3 ± 0.3%, R2 आपको दे रखा है 6 ± 0.6%। फाइंड परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। अब ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है मैं, ठीक है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो कि 1/R किसके इक्वल हो जाता है 1/R1 + 1/R2। अब आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे वो Z = either A + B के बारे में पढ़ा था या फिर Z = A^(b) / ऐसा कुछ तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/R² नेगेटिव, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट बताया था इसको यूज करना है, टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ R। ऐसे इसको लिखेंगे -1/R1² डिफरेंशियल ऑफ R1 और इसको लिखेंगे -1/R2² डिफरेंशियल ऑफ R2। अब इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, माइनस तो सब में कट ही गया, यहाँ पे बचेगा 1/R टाइम्स डेल्टा R/R, यहाँ पे बचेगा 1/R1 टाइम्स डेल्टा R1/R1 और यहाँ पे बचेगा 1/R2 टाइम्स डेल्टा R2/R2। मैं जानबूझ के इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, इसको भी कर दिया 100 से, इसको भी कर दिया 100 से, ताकि मैं परसेंटेज एरर की टर्म्स में क्या कर सकूं, बात कर सकूं, ठीक है। तो ये जो गोला मैंने लगाया है वो बेसिकली परसेंटेज एरर इन आर है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन R1 कितनी दिखाई दे रही है आपको 0.3 और R1 खुद कितना दिखाई दे रहा है आपको 3 दिखाई दे रहा है। ऐसे ही परसेंटेज एरर इन R2 कितनी दिखाई दे रही है आपको 0.6, गोले की वैल्यू कितनी है 0.6 और R2 खुद कितना दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0.1 ये भी 0.1 कितना आ जाएगा फाइनली 0.2। तो डेल्टा आर परसेंटेज जो होगा वो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय आर के इक्वल हो जाएगा और ये तो हम निकाल ही सकते हैं, हमें पता है 1/R किसके इक्वल होना चाहिए 1/3 + 1/6। एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, 2 + 1 = 3/6 / 2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। आई होप ये कैलकुलेशन आप भी बहुत तेजी से कर सकते हो, R की वैल्यू 2 रखेंगे तो फाइनली आपका आंसर आना चाहिए 0.4%। तो जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो, क्योंकि जिसके चांसेस कम है बट फिर भी मुझे सिखाना था, जब भी आपको कुछ अजीब सी इक्वेशन दी हुई हो तो आप यूजिंग डिफरेंशिएशन एरर से कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हमने हर तरीके के कवर कर लिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या यूज हो सकता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, सबने देखा हुआ होगा स्केल होता है उसके ऊपर एक और स्लाइडिंग स्केल होता है, राइट, मेन स्केल बोलते हैं और जो स्लाइडिंग स्केल होता है उसको वर्नियर स्केल बोला जाता है। तो इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है कि वर्नियर स्केल और
जो आपका मेन स्केल होता है उसके हर सेगमेंट की वैल्यू क्या नहीं होती, सेम नहीं होती। यानी कि आप देखोगे कि हमेशा ए मेन स्केल डिविजन्स जो होंगे वो बी वर्नियर स्केल डिविजन से क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, इक्वल नहीं होते, राइट। ऐसा नहीं है कि 10 मेन स्केल डिविजन 10 वर्नियर स्केल डिविजन से कोइंसाइड कर रहे, फिर काम नहीं करेगा, राइट। तो आपका जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी टाइम्स एम। सबको ध्यान से देख लो, बी और ए क्या है, तो इस लाइन को पढ़ना, बी और ए क्या है, आपको ये लिखा हुआ होगा ए मेन स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विद बी वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो ए मेन स्केल डिविजन हो गया और बी वर्नियर स्केल डिविजन हो गया, एम आपके मेन स्केल डिविजन के एक सेगमेंट की, एक सेक्शन की क्या है, वैल्यू है। जैसे नॉर्मली मेन स्केल डिविजन जो होता है वो एक मिलीमीटर का होता है, वो आपका जो स्केल है आपके पास में बड़ा है वही है, तो स्केल पे कितना होता है वो, दो लाइन के बीच का डिफरेंस हो जाता है 1 मिलीमीटर, राइट। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। यानी कि m की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 1 मिलीमीटर। इफ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के डिविजन कितने दे दिए गए हैं आपको, 20, कोइंसाइड विद 18 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 18 मिल गई, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट, ये भी निकाला था हमने, b माइनस ए डिवाइडेड बाय b टाइम्स m, b कितना है 20, a कितना है 18, b है 20 इंटू m है 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 मिलीमीटर, 2 से 20 चला जाएगा 1/10, यानी कि 0.1 मिलीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली आप देख ही पा रहे हो कि वर्नियर कैलिपर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट मेन स्केल जो नॉर्मली हम स्केल यूज करते हैं उससे कम है, ठीक है ना। द एन डिविजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद एन प्लस 1 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, सो गिवन 1 मेन स्केल डिविजन इज इक्वल टू ए यूनिट्स, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत क्या है, नंबर्स नहीं दे रखे और आंसर भी ऐसे होंगे इसके, तो आप लोग घबरा जाते हो, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्नियर स्केल की डिवीजन आपको दे रखे हैं इस बार कितने, n प्लस 1, और मेन स्केल की डिवीजन है वो कितने दे रखे हैं आपको, n दे रखे हैं, और अब की बार जो कैपिटल m है मेन स्केल के ऊपर एक सेगमेंट की वैल्यू कितनी है वो आपको दे रखी है स्मॉल a। आपको पता पड़ गया होगा मैंने कैपिटल बी और कैपिटल ए क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के सिंबल्स को इसने क्वेश्चन में यूज कर लिया, धोखा दे दिया इसने। खैर, हमने इसको धोखा दे दिया और हम अभी फाइनल आंसर भी निकाल के बताते हैं इसको। ये हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय b टाइम्स m, b का मतलब n प्लस 1, a का मतलब n, b का मतलब n प्लस 1 और m का मतलब हो जाएगा a, n से n चला गया तो फाइनल आंसर कितना आ जाना चाहिए, a प्लस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आ जाना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से कर दोगे, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। चलो, रूल्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कि जब भी हम किसी रिजल्ट को लिखते हैं तो कुछ डिजिट्स का यूज करेंगे, तो हम जितने डिजिट्स के बारे में सर्टेन है वो तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ में एक आखिरी अनसर्टेन डिजिट भी लिखते हैं, राइट। तो इन सारी की सारी डिजिट्स को मिला के क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोला जाता है। तो आपको अगर कोई रिजल्ट दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो उसको पहचानने के कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं वो हमेशा क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। जैसे इसके अंदर 1984 के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, राइट। सेकेंड रूल देखो, ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, राइट। जैसे ये 1 और 8 के बीच में, ये 8 और 6 के बीच में, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने जाएंगे हमारे, 5 हो जाएंगे, राइट। थर्ड रूल देखो, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आपको 00108 है, अगर इन दो जीरो को हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाती। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट रह गए हमारे पास में, केवल और केवल 3 रह गए, ठीक है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो जीरोस होते हैं ना, उसके लिए आपको दो इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखने, और यहीं पर थोड़ा सा
ठीक है ना, क्वेश्चन को घुमाया जाता है। पहला, इफ द नंबर इज लेस देन वन, लेस देन वन होगा तो डेसिमल यूज किया जाएगा, जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अभी भी अपन लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, केवल और केवल कितने हो जाएंगे, चार रह जाएंगे। तो लेफ्ट का तो एक ही रूल ध्यान रख लो, लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोज होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना, ये टी एच ई है फटाफट से। द ट्रेलिंग जीरोज, जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब यहां पे ध्यान रखना है कि अगर नंबर के अंदर डेसिमल है तब तो जो राइट साइड के अंदर जीरोज आ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोज है, वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो यहां पे एक दो तीन चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, जबकि द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल आर नॉट कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। अब आपका एक दो तीन ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो होगा ही होगा लेफ्ट साइड में। तो केवल और केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, आपके तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, राइट। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको यूज करके आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स पहचान सकते हो। राउंडिंग ऑफ के लिए कौन कौन से रूल यूज किए जाते हैं, सबसे पहले तो इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन फाइव, अगर पांच से ज्यादा है, ठीक है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय वन। जैसे यहाँ पे देखो 6.87, किसी ने कहा कि भाई डेसिमल के बाद में एक ही पॉइंट तक बताओ हमें, तो रिजल्ट तो हम राउंड ऑफ करेंगे, हमने देखा है डिजिट 5 से ज्यादा है तो हम इस 8 को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 6.9। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। जैसे किसी ने कहा कि यार इसको डेसिमल के बाद में केवल और केवल एक ही प्लेस तक लिखो, तो हमें इसको 4 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 4 तो लेस देन 5 है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, केवल और केवल रिजल्ट हो जाएगा 3.9। And if the digit to be rounded off is 5 itself, खुद 5 हो जाए, तब क्या करेंगे? फिर हम इसकी preceding digit देखेंगे, right? Then the preceding digit is increased by 1 if it is odd and is left unchanged if it is even. ये just हमने बनाया है। तो अगर digit जिसको आपको round off करना है वो खुद 5 है, तो preceding digit के ऊपर जाएंगे। अगर preceding digit odd है, तो हम क्या कर देंगे? उसको increase कर देंगे। जैसे 14.35 दिया। अब हमें इस 5 को राउंड ऑफ करना है, हमने देखा है इससे पहली वाले डिजिट क्या है, ऑड है, तो हम इसको इंक्रीज कर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा 14.4। जबकि अगर ऐसा होता 14.45, इसको राउंड ऑफ करना है, हमने इससे पहले वाले डिजिट को देखा, हमने देखा ये तो इवन है, इवन को हम क्या कर देते हैं, यूं छोड़ देते हैं। इवन नंबर्स, शांत नंबर्स बिल्कुल एकदम आराम से बड़े रहते हैं, राइट है, ये राउंड ऑफ करने के रूल है। और आखिरी में आपने रिजल्ट लिख लिया, राउंड ऑफ कर लिया, उसके बाद में आप कैलकुलेशन करोगे तो प्रोपेगेशन कैसे होगा, ठीक है ना, एरिथमेटिक ऑपरेशन करोगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर तो ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन दैट ऑपरेशन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे आपको इसमें से मान लो इसको माइनस करना है तो आपका रिजल्ट आएगा 0.087, राइट। अब आपका रूल ये कहता है कि उस नंबर को पकड़ो जिसमें आपके सबसे कम डेसिमल के बाद में प्लेसेस तक नंबर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे तो डेसिमल के बाद में 3 तक जा रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 तक जा रहे हैं, तो हम इसको फॉलो करेंगे। हमें फाइनल रिजल्ट भी कैसे लिखना पड़ेगा, डेसिमल के बाद में 1 प्लेस तक लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले 7 को राउंड ऑफ करेंगे, तो 7 क्योंकि 5 से ज्यादा है तो ये 9 हो जाएगा, फिर 9 को राउंड ऑफ करेंगे वो भी 5 से ज्यादा है तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर उस नंबर का ख्याल रखते हैं जिसमें डेसिमल के बाद में सबसे कम प्लेसेस तक नंबर्स लिखे हुए हैं और उसी को फॉलो करते हैं हम लोग, राइट। जबकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर जितने भी अदर ऑपरेशंस हैं उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काम करते हैं हमारे, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशेंट जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स के इक्वल होते हैं जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। जैसे 2.4 और 3.65 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ रिजल्ट आएगा आपका लंबा चौड़ा, राइट। बट आप देखोगे कि यार ये नंबर ऐसा है जिसके अंदर केवल और केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपको फाइनल रिजल्ट भी कैसे लिखना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखना पड़ेगा। इसलिए फाइनली आप कैसे लिखोगे, इसमें 3.8 लिखोगे, राइट। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद में डेसिमल के बाद में प्लेसेस देखे जाते हैं सबसे कम कितने हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाते हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो किस नंबर के अंदर है, राइट। तो इन रूल्स का यूज करके आप आसानी से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो
लिख सकते हो, राइट। तो आई होप आज का जो वीडियो है वो मजेदार रहा होगा। आई होप आपकी बहुत बड़ी टेंशन ये चैप्टर, क्योंकि अक्सर छुड़वा दिया जाता है और दिमाग में जस्ट केवल और केवल बना रहता है कि करना है करना है करना है करना है, बट कभी कर नहीं पाते, राइट। तो आज के बाद में इस समस्या का जो परमानेंट सोल्यूशन है वो आपको मिल चुका है। तो अब समय है इस बात को चेक करने का कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो इस बार भी मैंने इस वीडियो के अंदर डाले हैं कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस जिन्हें आपको सॉल्व करना है, और उनके आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताने हैं। बजाय किसी और बात के अगर हम कमेंट बॉक्स को इस तरीके के डिस्कशंस के लिए यूज करें तो बहुत ही ज्यादा बेटर होगा हम सभी के लिए। सो दीज आर सम फॉलोअप क्वेश्चंस। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। वीडियो को बहुत दिल से देखना है और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्राई करना है, और जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे उसके बाद में आपको पता चलेगा कि वाकई मोस्ट वांटेड सीरीज जो है वो आपकी कितनी हेल्प कर रही है। अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद में जब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो चुका होगा तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है अपने इस कॉन्फिडेंस को, जो बूस्टेड कॉन्फिडेंस है इसको यूज करने का। आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो कि प्रेप ऑनलाइन ऐप के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ ही साथ में बुक्स का जो इंतजार है वो भी खत्म होने वाला है बड़े ही जल्द, और उसके बाद में आपके पास में होंगे इस तरीके के और भी ढेर सारे क्वेश्चंस, और उन सबको करने के बाद में आप ये 100% मान सकते हो कि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन नीट के अंदर आ गया तो वो पहला तो इन सबसे बाहर नहीं होगा, और जैसा भी क्वेश्चन होगा उसको आप 100% सॉल्व कर जाओगे। इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।